हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है। बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कर्ली ब्रेसेस अगर आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एरर आ जाएगी, ठीक है, सी लैंग्वेज में। तो एक बार एरे का यूज करते हैं, उसमें हम कर्ली ब्रेसेस एक बार और फिर से लगाते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले हेडर फाइल बना लेता हूं, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ये हमने बना लिया हेडर फाइल। अब यहां पर हम बना लेते हैं मेन फंक्शन। तो ये हमने बना लिया मेन फंक्शन main, ये हो गया मेन फंक्शन, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है। ये मेन फंक्शन हो गया, यहां पर कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है, ठीक है। इस तरीके से ये कर्ली ब्रेसेस हमने ओपन कर लिया, एंटर करके नीचे आए। यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर अब हम इंट टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, और उसका नाम रख देते हैं, लाइक सपोज कीजिए मैं रख देता हूं ए रख देता हूं, ठीक है, ए रख दिया। और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाया मैंने, ओपन किया और क्लोज कर दिया, ठीक है, और इज इक्वल टू करके लिखेंगे। आप देखिए यहां पर कर्ली ब्रेसेस मैंने बना लिया है। यहां पर मैं कुछ टाइप करता हूं, लाइक टू टाइप कर दिया मैंने, कॉमा दिया, 50 टाइप किया, 40 टाइप किया, ऐसे कुछ भी टाइप करते चल रहा हूं, ठीक है। यहां पे कर देता हूं 46, यहां पे कर देता हूं 47, फिर यहां पे कर देता हूं 48, फिर यहां पे कर देता हूं 49, और ऐसे ही करके 50 कर देता हूं। तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये सारी वैल्यूज मैंने दे दी है, ठीक है। अब यहां पर इसको टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट कराने के बाद अब हमें प्रिंट करवाना है, तो यहां पर लिखेंगे प्रिंट एफ, क्योंकि हम सी लैंग्वेज में तो प्रिंट एफ ही लिखते हैं। और यहां पर चूंकि इंट टाइप का बनाया, हमने डेटा टाइप इंट लिया है, इसीलिए यहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें देना है %d, कॉमा देंगे, और हमने जो वेरिएबल बनाया था ए नाम से बनाया था, तो यहां पर ए लिख करके अगर मैं जीरो वाली वैल्यू प्रिंट कराता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं जीरो वाली वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूं, टू आएगा, क्योंकि जीरो में टू, जो जीरो जो इनिशियलाइजेशन है एरे की वो जीरो से स्टार्ट होती है, और जीरो में टू है, फिर वन में 40 है, फिर टू में क्या है 46 है, फिर थ्री में क्या है 47 है, फिर फोर में क्या है 48 है, फिर फाइव में क्या है 49 है, और फिर सिक्स में 50 है। तो कुछ इस तरीके से इनिशियलाइजेशन होगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, जीरो कर देता हूं, तो जीरो में क्या है, जीरो में टू है, ठीक है, 40 टेबल की टू है। अब इसको क्लोज करते हैं, यहां से टर्मिनेट करते हैं, ये टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद यहां पर हमें जो कर्ली ब्रैकेट ओपन किया था हमने उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पर इसको कंपाइल करवाते हैं, तो इसको सेव कर लेंगे। कंपाइल करवाते वक्त ही मैं किसी भी नाम से इसको सेव कर लेता हूं, .c लगा करके ये सेव कर लिया। अब ये अगर कोई एरर नहीं है, देखिए, तो ये कंपाइल हो गया। अब इसको रन करवाने की बारी है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मैंने जीरो दिया हुआ है, जीरो का मतलब हो जाएगा टू, अगर मैं वन लिखता तो 40, टू लिखता तो 46। तो चलिए एक बार इसको रन करवा लेते हैं यहां से। तो ये रन करवाया, अभी यहां पे क्या आ रहा है देख सकते हैं, वो आ रहा है। चलिए यहां पे चेंजेस करते हैं, यहां पे जीरो के बजाय अब मैं कर देता हूं टू। अब मुझे बताइएगा क्या आएगा, टू में क्या है, यानी कि ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, यानी टू में 46 स्टोर है। तो यहां पर आंसर आपका 46 आने वाला है। तो एक बार फिर से इसको कंपाइल रन करवाएंगे, तो पहले ये पुराना आउटपुट हम क्लोज कर देते हैं यहां से, और फिर यहां से कंपाइल करवाते हैं इसको, और फिर आप इसको रन करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये रन करवाया तो अभी क्या आ रहा है, 46 आ रहा है, क्योंकि यहां पे 2 दिया था। क्या होगा अगर हम यहां पर 4 दे दें, तो चलिए यहां पे 4 दे देते हैं, देखते हैं क्या आता है। वैसे हम काउंट कर लेते हैं, यहां से इनिशियलाइजेशन होगा 0 से, फिर ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर 4 देते हैं तो यहां पर 48 आना चाहिए। तो यहां से एक बार कंपाइल करवाते हैं इसको, कंपाइल हो गया, अब यहां से रन करवा लेते हैं। तो यहां पे क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कैसे जाके वैल्यूज स्टोर हो रही हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।